और खास करके जो ये हमारा पारंपरिक मार्ग है बाणगंगा से, क्योंकि ज़्यादा श्रद्धालु इसी ट्रैक से जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो इस यात्रा मार्ग पर एक एडिशनल सुविधा हमारे बोर्ड के निर्देश के मुताबिक आज शुरू की गई है। और जय माता दी। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आप सभी से माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय की जो भी नई जानकारियां होंगी वो सब शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सबके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दिया गया है, वो जानकारी भी इस वीडियो में आप प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करते और सबसे पहले बात करते हैं माँ भगवती के इस पवित्र पावन धर्म की नगरी कटरा शहर का। देखिए माता रानी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो भी भक्तजन हमें मैसेज कर रहे हैं कि यात्रा चल रही है कि नहीं, यात्रा में कोई बाधा तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि यात्रा पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है और माता रानी कृपा से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना किसी भी श्रद्धालु को नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप कटरा पहुँचते तो कटरा में भी गली गली में गेस्ट हाउस और होटल्स हैं, तो आपको होटल्स और गेस्ट हाउस बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के डॉर्मेटरीज को भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको www.maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। ऑनलाइन सर्विस में टैप करने के बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डॉर्मेटरी के ऑप्शन में जाना है, जहाँ पर आपको कटरा का लोकेशन सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर मिल जाता है जो है त्रिकुटा भवन का डॉर्मेट्री, इसके साथ साथ शक्ति भवन का डॉर्मेट्री। तो आप चाहें तो किसी भी डॉर्मेट्री को बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट पर बेड 150 रुपया होता है। पर बेड के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए डॉर्मेट्री आपके लिए अलॉट कर दी जाती है। सुबह 10 बजे से लेकर नेक्स्ट सुबह 10 बजे तक आप इसमें आराम से स्टे कर सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ अगर RFID कार्ड की बात कर ली जाए तो देखिए माँ भगवती की अनुकम कृपा से श्रद्धालु RFID कार्ड लेकर ही माँ भगवती की यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं और आप सबको RFID कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो उसको ज़रूरी है कि RFID कार्ड दिलाएँ, और साथ ही साथ अगर उसका कोई ID नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने एरिया का पिन कोड बताना पड़ता है, उसके बाद आपको ईजिली RFID कार्ड मिल जाता है। जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है तो RFID कार्ड आप आराम से रिटर्न कर दें। इस समय सभी श्रद्धालु RFID कार्ड लेकर ही माँ भगवती की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए यात्रा ट्रैक की, तो यात्रा ट्रैक में आपको सभी श्रद्धालुओं को चहल पहल देखने को मिलेगी। श्रद्धालु की लगातार जयकारों के साथ पूरा यात्रा ट्रैक गूंज रहा है और माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली बड़ी तोहफा की। आप सब तो जानते हैं इस जून के महीने में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आप सभी के लिए कई नए नए तोहफे दिए गए। पहले तोहफे आपको पौधा प्रसाद मिले, जिसमें आप जाके श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कि कटरा में स्थित है वहाँ से आप पौधा प्रसाद परचेस कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 10 और 20 रुपया रखा गया। उसके बाद फिर आपको आरती अटेंड करने का मौका दिया गया अर्धकुआरी प्रांगण पर, उसकी बुकिंग भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो चुकी है जुलाई महीने की। आप चाहें तो ऑनलाइन जाकर उसकी बुकिंग भी प्राप्त कर लीजिए और गर्वजुन गुफा में आरती अटेंड करिए और गर्वजुन गुफा से दर्शन करने का भी मौका आपको मिल जाता है। उसके बाद श्राइन बोर्ड ने लगातार नई नई सुविधाएं देने की पूरी प्रयास की, जैसे हेलीकॉप्टर की सुविधा अब आपको जम्मू एयरपोर्ट से डायरेक्ट पंछी हेलीपैड के लिए मिल रहा है, जिसकी बुकिंग आप माँ वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। अलग अलग पैकेजेस है, अपने अनुसार आप इसकी बुकिंग ले सकते हैं। अब एक बार फिर से श्राइन बोर्ड ने कल यानी 24 जून 2024 को एक बहुत बड़ा तोहफा श्रद्धालुओं के लिए दिया है। अब आपको फ्री मुंडन शॉप भी मिल जाएगा बाथिंग घाट के पास, बाणगंगा के पास। आपको बता दें कि कल यानी 24 जून 2024 को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने एक नया मुंडन शॉप का उद्घाटन किया, जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा बिल्कुल फ्री सभी श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया गया है। पहले मुंडन शॉप भवन पे था, जहां पर आप जाकर मुंडन कराते थे, लेकिन अब बाणगंगा बाथिंग घाट जो है गीता मंदिर के ठीक सामने वाले, वहाँ पर आप जाकर मुंडन शॉप में
फ्री में जो है अपने बच्चों का मुंडन वगैरह करा सकते हैं। पूरी तरीके से निःशुल्क है और इसका टाइमिंग सुबह 7 बजे के बाद से रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ वाला सुविधा मिलेगा। जितनी जल्दी आप पहले पहुँचेंगे उतने पहले आपके बच्चों का मुंडन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाणगंगा पे शुरू किया गया, यानी आप वहाँ पे बिल्कुल स्नान करिए और मुंडन करा के स्नान करके फिर आप माता रानी के भवन के प्रस्थान कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा तोहफा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सभी श्रद्धालुओं को दिया गया है। मुंडन शॉप तो पहले भी भवन पर था, लेकिन श्रद्धालुओं की फीडबैक आ रही थी कि एक मुंडन शॉप नीचे बाणगंगा के पास भी होना चाहिए। बिल्कुल गीता मंदिर के सामने वाला जो बाथिंग घाट है वहीं पर इसको स्टार्ट किया गया है और आप यहाँ पर जाकर फ्री में बच्चों का मुंडन करा सकते हैं। तो एक बड़ी जानकारी थी, मुझे लगा आप सबसे शेयर करनी चाहिए, तो हमने आपसे शेयर कर दिया। और आप सब तो जानते हैं जैसे ही कोई नई सही जानकारी आती है हम आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए और पूरी वीडियो को देखिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं सब में एक नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है। नई नई जानकारियों को प्राप्त करते हुए आगे दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं माता रानी के दर्शनों की। तो देखिए इस समय श्रद्धालु की संख्या में जो काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी माता रानी के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धालुओं को हो रहे हैं। आपको कोशिश ये करना है कि दोपहर को 2 बजे के बाद और रात को 12 बजे के बाद जाना है, ताकि इस समय आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना ना करना पड़े और आपको दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये समय आप नोट कर लीजिएगा, इस हिसाब से अपना पूरा प्लानिंग सेट कर लीजिएगा और आप माता रानी के दर्शनों के प्रस्थान करके माता रानी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम में देखिए हम आपको इस समय का जो मौसम होता है वो बता सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का मौसम हम क्या कोई भी आपसे नहीं शेयर कर सकता। ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो माता रानी की महिमा उनका लीला चलता है। चंद मिनटों में मौसम बदलता है, बिल्कुल मिनटों की बात कर रहे हैं। बादल रहेगा, अचानक से बारिश हो जाएगी। इसीलिए देखिए फिलहाल तो मौसम एज यूजल नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन आप जब भी माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं अपने साथ एक नॉर्मल सा गर्म कपड़ा, एक रेनकोट और एक अम्ब्रेला ज़रूर से रख लीजिएगा, ताकि अगर मौसम में परिवर्तन हो तो आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आपके पास सभी ज़रूरत के सामान उपलब्ध हो, साथ ही साथ मेडिसिन ज़रूर से कैरी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज़ हो तो आप मेडिसिन लेके अपने हेल्थ इशू को भी दूर कर पाए। वैसे श्राइन बोर्ड द्वारा हर जगह पर डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाती है, डिस्पेंसरी से आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर बात कर ली जाए देखिए यात्रा ट्रैक की, तो आप जब यात्रा शुरू करेंगे तो दिन के वक्त तो आपको गर्मी सा महसूस ज़रूर होगा, लेकिन रात में वन पर हल्का ठंड ज़रूर लगेगा। इसीलिए आप पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ जाइए। और मौसम की जो जानकारी प्रेजेंट की है वो हमने आपसे शेयर कर दिया। आप किस डेट में जा रहे हैं उस दिन मौसम कैसा रहेगा ये बताना मुश्किल है, गूगल वेदर रिपोर्ट भी वहाँ पर जाकर उस दिन में फेल हो जाता है। आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कई बार तो वीडियो अपलोड भी हमने किया है, सुबह में हमने आपको बताया था कि मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है और अचानक से शाम में मौसम में परिवर्तन होकर बारिश शुरू हो गया। इसीलिए हम आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देना चाहते कि मौसम ऐसा ही रहेगा और इस तरह का ही मौसम आपको देखने को मिलेगी। मौसम तो वहाँ पर बदलता रहता है, बेहतर यही रहेगा कि सभी मेजर प्रिकॉशंस के साथ ही आप यात्रा पर जाएं। अगर बात करें सुविधाओं की, तो माता रानी की अनुकम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा भी मिल रहा है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हुआ, रोपवे हुआ, बैटरी कार हुआ, हर प्रकार की सुविधा के साथ श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शनों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उनके दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं होने वाला है अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं। जाइए माता रानी का नाम लेकर, माता रानी कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। माँ भगवती आप सबको बहुत ही प्यारे दर्शन दे। हम माता रानी से आप सबके लिए हाथ जोड़कर दिल से यही प्रार्थना करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़रूर से देखा करिएगा, ताकि ऐसी नई नई जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई प्यारी सी वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी है, आजा माता।